अतीक को साबरमती जेल ले जा रही पुलिस की टीम। अतीक को 24 पुलिस कर्मियों की टीम लेके जा रही है। मध्य प्रदेश राजस्थान होते हुए काफिला जाएगा, सूत्रों से फिलहाल यही जानकारी मिल रही है और कुछ देर में चित्रकूट पहुंचने वाला है अतीक अहमद। अतीक के काफिले को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस है, चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। तो अतीक के काफिले को लेकर ये जानकारी मिल रही है, 24 पुलिस कर्मियों की टीम अतीक अहमद को लेकर जा रही है। मध्य प्रदेश राजस्थान होते हुए ही काफिला जाएगा, फिलहाल सूत्रों से यही जानकारी मिल रही है और कुछ ही देर बाद चित्रकूट पहुंचने वाला है अतीक अहमद। अतीक के काफिले को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस है और यही जानकारी मिल रही है कि जिस रूट से साबरमती से प्रयागराज लाया गया था अतीक अहमद को, उसी रूट से वापसी भी संभव मानी जा रही है और कुछ ही देर बाद चित्रकूट अतीक अहमद का काफिला पहुंचेगा। तो साबरमती टू प्रयागराज का सफर आपने देखा और आज उम्र कैद की सजा होने के बाद अब अतीक अहमद की वापसी हो रही है प्रयागराज टू साबरमती। कुछ ही देर बाद चित्रकूट पहुंचेगा अतीक अहमद का ये काफिला और मध्य प्रदेश राजस्थान होते हुए ही ये काफिला जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। अभी फिलहाल रवाना हो चुका है और कुछ ही देर बाद चित्रकूट पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है अतीक अहमद के इस काफिले की। 24 पुलिस कर्मी अतीक अहमद के काफिले में मौजूद है, पुलिस 24 पुलिस कर्मियों की टीम लगाई गई है अतीक अहमद की सुरक्षा में और मध्य प्रदेश और राजस्थान होते हुए ही काफिला आ जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है अतीक अहमद को लेकर। विवेक फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एबीपी गंगा का काफिला भी लगातार अतीक अहमद के काफिले के पीछे पीछे चल रहा है, उनसे अपडेट ले लेते हैं। विवेक, क्या अपडेट है, कहां तक पहुंचा है काफिला? आयुषी देखिए, डेढ़ घंटे लगभग हो चुके हैं अतीक अहमद को नैनी जेल से निकले हुए और इस डेढ़ घंटे में शहर क्रॉस करके सीधे चित्रकूट की सीमा में बस कुछ देर में प्रवेश करने वाले हैं। और सबसे खास बात यह है कि स्पीड जो है वो लगातार उस काफिले की, हालांकि हम थोड़ा सा पीछे हैं इस समय, करीब 2 किलोमीटर उस काफिले से पीछे चल रहे हैं, लेकिन जो स्पीड बता रही है, जो हमारे और साथी आगे हैं, पुलिस के साथी हैं जो उस काफिले में चल रहे हैं, उनकी जानकारी के मुताबिक 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उनकी गाड़ियां चल रही हैं और रात का समय है, ये सड़क जो है वो भी ठीक अच्छी कंडीशन में है, इसलिए बिना किसी रोक टोक के गाड़ियां आगे चल रही हैं। और यहां चित्रकूट से सीधे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर चढ़कर जो आगे का रूट है वो उस एरिया पर उतरेंगे जहां से जालौन होते हुए फिर आगे झांसी का रास्ता है, झांसी के लिए आगे वहां जालौन से निकलेंगे और उस दौरान कहीं जालौन में पुलिस लाइन में कुछ देर के लिए विश्राम होगा। जिस तरह से आते वक्त भी जब साबरमती जेल से लाया जा रहा था अतीक को, तो चूंकि उस समय लंबा सफ़र था और जालौन में ही पुलिस लाइन में काफ़ी देर, माफ़ कीजिएगा, झांसी में काफ़ी देर तक वहाँ रुके थे और झांसी में विश्राम किया था, करीब 1.25 घंटे तक वहाँ रहे थे। तो ये माना जा रहा है कि अब की बार जब निकले हैं तो अभी तक कहीं पर स्टॉपेज नहीं लिया है, लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद जब जालौन या फिर उसके आगे झांसी कहीं पर भी स्टॉपेज हो सकता है, जो पहला स्टॉपेज होगा। अभी तक डेढ़ घंटे का सफ़र बीत चुका है लेकिन अभी तक कहीं पर काफिला रुका नहीं है, कहीं स्टॉपेज नहीं लिया है। जो सामान्य एक स्पीड है 80 से 90 वो लगातार काफिले की बनी हुई है। तो जो एस्टिमेटेड टाइम है पहुंचने का, जो टाइम बताया जा रहा था कि 24 घंटे लगेंगे, जिस तरह से आने का, वहां से साबरमती से आने का टाइम 24 घंटे था, लेकिन उसको आधे घंटे या 25 मिनट पहले ही कवर कर लिया गया। उसी तरह से जाने का समय बता रहा है कि 22-23 घंटे जाने में लगेंगे, लेकिन इस रूट से जब निकले हैं तो अच्छी स्पीड से निकले हैं। जब साबरमती से आ रहे थे तो राजस्थान में बहुत ख़राब रास्ता मिला था जिसकी वजह से ज़्यादा समय लग गया और रात का समय था, इस वजह से टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन अभी ये रास्ता जो मिला है पुलिस को, पूरी फ्लीट को, पूरे काफिले को, वो रास्ता साफ है, सड़क जो है वो उसकी कंडीशन अच्छी है, इसलिए अच्छी स्पीड से आगे निकल रहे हैं। और शिवपुरी के बाद यानी सुबह तक जब राजस्थान बॉर्डर में प्रवेश करेंगे तो दिन होगा, इसलिए दिन में भी अच्छी स्पीड से वहाँ पर निकलेंगे। तो शाम को ये माना जा रहा है कि 5 से 6 बजे के आसपास कल शाम को वहाँ पर साबरमती पहुँच जाएंगे। जो भी एस्टिमेटेड इनका रूट बना है, जो टाइम जिस तरह से प्लान किया गया है,
उस तरह से ये 5 या 6 बजे के आसपास सीधे साबरमती जेल पहुंच जाएंगे। हालांकि अगर कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं रही, कोई तकनीकी खामियां नहीं रही, समस्या नहीं रही, जिस तरह से आते हुए शिवपुरी में एक जानवर टकराया था, एक गाय टकराई थी, उस तरह की अगर कोई दिक्कत नहीं आती, हालांकि उसकी वजह से काफिले की स्पीड थोड़ी कम हुई थी लेकिन रुका नहीं था, कोई हानि नहीं हुई थी काफिले को, लेकिन जो रेलवे क्रॉसिंग थी वहाँ पर 10 मिनट 8 मिनट के आसपास गाड़ियाँ रुकी थी और बीच में जो विश्राम किया था वहाँ 45 मिनट का विश्राम हुआ था, रेस्ट हुआ था। अगर रेस्ट नहीं करते हैं चलते फिरते, चूंकि अब की बार काफिले के साथ खाने पीने की सामग्री बहुत सारी रखी गई है, कई प्लेटें हैं जो डिनर के लिए रखे गए थे, तो ये माना जा रहा है कि शायद रास्ते में ना रुके, चलते चलते ही गाड़ी में उनको डिनर कराया जाए। अच्छा, पानी की बॉटल्स भी, ये भी जानकारी दीजिए कि सुरक्षा में कितने लोगों को लगाया गया है और इस वक्त अगर बात की जाए अतीक अहमद की गाड़ी में कितने लोग मौजूद है, क्योंकि पहले जब हमने देखा था जब लाया जा रहा था साबरमती से तो 45 कर्मियों को सुरक्षा के घेरे में लगाया गया था, इस बार कितने लोग शामिल है और वैन में कितने लोग मौजूद है? जी आयशी, देखिए जब ला रहे थे तब 45 लोगों की टीम थी, चूंकि तब खतरा ज़्यादा था और ये माना जा रहा था कि जो रूट था वो बहुत अच्छी तरह से उसकी जानकारी नहीं थी और रास्ते में कोऑर्डिनेशन में भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया था जिन जिन जनपदों से। इस दौरान जब 4 राज्यों में करीब 12 से 15 जनपद क्रॉस किए हैं, 15 से ऊपर जनपद क्रॉस किए हैं, उन जिलों में कई जगह पर कोऑर्डिनेशन नहीं था, लेकिन जाते समय कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से कर लिया गया था, समन्वय स्थापित करने के बाद टीम निकली है, इसी वजह से थोड़ा सा विलंब भी हुआ। तो अतीक को ले जाने में जो टीमें हैं वो बता रहे हैं कि 20 से 25 लोग हैं पुलिसकर्मी, जैसे आते समय जब 45 की टीम थी लेकिन 20 से 25 लोग हैं, लेकिन अतीक की जो वैन है उसमें 8 लोग बैठे हुए, 8 से 10 लोग बताए जा रहे हैं कि, हालांकि ये चेंज होता रहता है जब गाड़ी कहीं बीच में कुछ एक आध मिनट के लिए रुकती है तो वो चेंज होता रहता है, रिफ्रेशमेंट के लिए रुकती है या नेचर स्कॉल के लिए रुकती है, तो जो उसकी वैन में बैठे हुए हैं प्रिजन वैन में उसमें से लोग चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, पीछे जो वैन है उसमें सारी इन्वेंट्री है, सारे खाने पीने का सामान है। ठीक है, ठीक है, विवेक, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाते रहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।